खबर छतरपुर से है, जहां पर आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने महिला संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले जिले भर के कार्यकर्ताओं ने अटल सभागार में एकत्रित होकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें नियमितीकरण और अन्य मांगों को पहले रैली निकाली, इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस महंगाई में हम लोग अपने परिवार चलाने के लिए आज रोड पे आ गए, मजबूर हो गए, हम लोग खाएं क्या, इसलिए आज ये भूसा लेके हम सभी बहनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का विधानसभा सत्र चालू है और विधानसभा सत्र में छतरपुर के विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी जी के द्वारा आशा बहनों का क्वेश्चन लगाया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार उस क्वेश्चन पर विचार करे और आशा बहनों का जो मानदेय 10,000 रुपए देने का और इंसेंटिव देने का काम करे, साथ में सहयोगनी को 15,000 और देय भत्ता देने का शुरू करे और सहयोगनी आशा को नियमितीकरण करे।